हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉलीवुड टाइम्स। ब्लॉकबस्टर पठान के बाद किंग खान की जवान और डंकी सुर्खियों का हिस्सा बनी है। जवान की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। जवान में शाहरुख खान, नयनतारा और विजय सेतुपति के साथ नजर आएंगे। अब शाहरुख अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे। 11 साल बाद कश्मीर लौटे किंग खान का कश्मीर में फूलों के गुलदस्ते और सफ़ेद शॉल देकर जोरों शोरों से स्वागत किया गया। शाहरुख पिछली बार जब तक है जान इस फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर गए थे। अब 11 साल बाद वो डंकी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए हैं। कश्मीर शेड्यूल के बाद शाहरुख खान डंकी के लिए एक प्रमुख अंडरवाटर सीक्वेंस की शूटिंग करेंगे। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू और विक्की कौशल दिखाई देंगे। आपको बता दें कि डंकी पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसकी शूटिंग सऊदी अरेबिया में की जा रही है। डंकी इस साल 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। लेकिन हाँ, डंकी से पहले किंग खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान जून में रिलीज होगी। पठान के रिकॉर्ड तोड़ होने के बाद फैंस की जवान से उम्मीद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो दोस्तों, आप कौन सी फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करेंगे, जवान या डंकी, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।